हेलो फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वाई वाई नूडल्स की रेसिपी। वैसे तो ये रेसिपी नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अभी ये कुछ सालों से इंडिया में भी ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और इसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 3 पैकेट वाई वाई नूडल्स। इसको देख लीजिए, इस तरह का इसका पैकिंग आता है। ये वेज और नॉन वेज दोनों में मिलता है और ये सीजी कंपनी से बनाई जाती है, रेडी टू ईट। आप इसको ऐसे ही नमकीन की तरह खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, हमने इसको 1 पैकेट का 1/2 किया है, क्रश ना करें। इसके साथ फ्राई करने के लिए हमने लिया है ग्रीन और येलो शिमला मिर्च। अगर रेड मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और साथ में लिया हमने एक गाजर और एक मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट के, गाजर को बहुत पतला पतला काटा है। इस तरह काटने से टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। अगर शिमला मिर्च आपके पास येलो नहीं है तो स्किप कर दीजिए, सिर्फ ग्रीन लीजिए। साथ में लिया है हरी मिर्च और धनिया, ये गार्निशिंग और स्पाइसी के लिए काम में आएगा। ये तीनों मसाले ये पैकेट के अंदर ही होते हैं, अगर आपको कम लगते हैं तो आप ले सकते हैं। सॉल्ट, ऑयल और रेड चिल्ली, ये तीनों चीज़ों को ले लिया है। एक कढ़ाई को ले लेते हैं, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। 3 पैकेट के लिए मैंने 1/2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। उबलते समय हमने इसमें डालना है थोड़ा सा जो हमने नूडल का तेल लिया है, जो इसके अंदर ही होता है। इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको यूज़ करना है। और इसको हमने पूरा डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ये नमक भी पहले हम डाल रहे हैं नूडल का। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डालते हैं जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से ढक के उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में उबाल आ जाएगा, हाई फ्लेम में रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इस समय इसमें डालेंगे नूडल को, सभी नूडल को डाल दीजिए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पानी ना करें, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो आप इसको ड्राई करने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे आप इसको सूप की तरह भी खा सकते हैं, लिक्विड बना के। और सभी को डाल दिया, देखिए ये पूरा डूबा नहीं है, ये थोड़ा सा मॉइस्चर होने के बाद, ये अच्छे से भीग जाने के बाद ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल नूडल होता है उसकी तरह हो जाता है। हाँ, एक चीज़ इसमें, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है। आप अगर इसमें तेल को स्किप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट हमने डाल दिया है। इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। उतने देर में ये अच्छे से खुल जाएंगे, देखिए इनके लच्छे जितने भी हैं। अब इसको थोड़ा चला लेंगे। नॉर्मल नूडल की तरह ये चिपकता नहीं है और टूटता भी नहीं है। इसको हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका के, देखिए बिल्कुल ड्राई कर दिया है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहने दें, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे उतने देर में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा सभी वाटर। हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करते हैं, देखिए दूसरे बेजल में शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा मॉइस्चर है, ये रखे रखे इसमें ड्राई हो जाएगा। तो अब फिर से हमने सेम कढ़ाई को ले लिया है। अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी बटर का भी कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल को गर्म होने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। अगर इस टाइम पे आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करिए, और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप इसको डालिए और इसको लगभग 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करिए। थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर आना चाहिए, हाई फ्लेम में फ्राई किया है, जल्दी हो जाएगा। और चलाते रहें, जलना नहीं चाहिए। और हल्का कलर आने के बाद इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्च हमने 3 हरी मिर्च को काटा है, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर को हम सबसे पहले इसलिए डाल रहे हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है और सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हाई फ्लेम में इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, हल्का हल्का कलर चेंज होने तक ही पकाना है। तो देखिए अच्छा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, दोनों शिमला मिर्च डाल देंगे, येलो और ग्रीन। अगर आपके पास येलो नहीं है तो सिर्फ ग्रीन यूज़ करें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे ज़्यादा गलाना नहीं है, ज़्यादा गली हुई शिमला मिर्च का टेस्ट खराब होता है और टेक्सचर भी खराब होता है। 1 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको स्टर करेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और क्रंची रहना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए हम इसको बाद में डाल रहे हैं।
अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ नूडल। देखिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, अभी पूरा ड्राई हो चुका है। नूडल डालने के बाद इसके ऊपर से डालेंगे हम बाकी चीज़ें, जैसे कि नूडल मसाला। अगर आपके पास सॉल्ट नहीं है तो थोड़ा सा नूडल मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करिए। थोड़ा सा हमने जो रेड चिल्ली पाउडर था उसको ले लिया। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप घर का नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्टिकी नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही बोला है, चिपकता नहीं है बाकी नूडल की तरह। इसको आराम से मिक्स कर लिया है। देखिए मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ सॉस ऐड करेंगे। हमने लिया है लगभग 2 छोटे चम्मच रेड चिल्ली सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें सिजवाइन सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ले हमने 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, ये ऑप्शनल है, नहीं चाहिए तो आप स्किप करिए। और साथ में 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर फ्लेवर अच्छा लगता है आपको इसका तो इसको ऐड करिए। और ये दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल के 2 मिनट तक मिलाते हुए चलाएंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिया से गार्निशिंग करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो हरे प्याज का भी इस्तेमाल करिए। और इसको भी हम थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू और इजी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।